आज हम बनाएंगे चने की दाल की सब्ज़ी। चने की दाल को हमने 5-6 घंटा पानी में भिगो के अच्छे से फुला दिया। अब इसको अपन सब्ज़ी बनाएंगे। ये 2 टमाटर प्याज कटे हुए, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्ची और 1 टमाटर कटा हुआ। कढ़ाई में तेल गरम किया, ये तेल गरम हुआ, इसमें जीरा डाल दिया। ये अपना तेल गरम हुआ, इसमें जीरा भी ब्राउन हो गया। अब इसमें 1 चुटकी भर हींग डालेंगे और इसमें 1 लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची कटेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 2 प्याज कटे हुए। इसको हल्का लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। ये प्याज अपने फ्राई हो गए ब्राउन कलर में। अब इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट अनुसार। अब सारे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, इसको थोड़ा चलाएंगे, हल्के से मसाले को भूनेंगे। ये मसाले अपने भून गए। अब इसमें डालेंगे दाल। ठीक है, ये दाल डाली और इसको अच्छी तरह से मिलाया। अब इसको हल्का सा मसाले के साथ दाल को सेक लेंगे। 2 मिनट पकने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर 5 से 7 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाला। पानी इतना डालना है जितना दाल अपनी पूरी अंदर से कवर हो जाए। ये देखो ऊपर पानी आ गया पूरा, दाल नीचे है। अब ये पक जाएगी अच्छे से। 5 से 7 मिनट में तो इसको पकाना है ढक के।